देश भर में आज के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज से 23 साल पहले 26 जुलाई के दिन ही भारत के वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकवादी और सैनिकों को कारगिल से खदेड़ दिया था। इस खास मौके पर हर साल 26 जुलाई को वीर गति को प्राप्त होने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए विजय दिवस मनाया जाता है। आज का दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक माना जाता है। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच चला युद्ध मई से जुलाई तक हुआ था। राजधानी शिमला में भी विजय दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में जीत दिलाने वाले वीरों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हर साल इस खास दिन पर वीरों को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत के वीर सैनिकों ने आज ही के दिन पाकिस्तान के घुसपैठियों को धूल चटा दी थी। उन्होंने कहा कि ये इस बात का प्रमाण था कि भारत की ओर कोई अब आंख उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि विश्व भर में ये संदेश गया कि साल 1962 वाला भारत नहीं जो अतातायी शक्तियों के सामने घुटने टेक देगा। उन्होंने कहा कि साल 1999 में कारगिल योद्धाओं ने बता दिया था कि भारत माता की रक्षा के लिए सैनिक कुछ भी कर सकते हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश की सेना लगातार सशक्त और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाने का मैं समझता हूं कि औचित्य इसलिए बहुत बढ़ जाता है। आधुनिक भारत में इस प्रकार का युद्ध जो बहुत छोटे समय के लिए लड़ा गया लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए और इस कारगिल युद्ध के बाद भारत दुनिया में एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभर करके जो है वो सामने आया और इस कारगिल युद्ध ने दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है या 1948 वाला भारत नहीं है। जब कोई भी कबायली उठ करके जो है भारत पृथ्वी में जो है वो आ जाए और भारत की भूमि पर जो है वो कब्जा कर जाए, अब कोई भी भारत की ओर जो है वो टेढ़ी आंख करके दिखाएगा तो उसका जवाब जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से जो है दिया जाएगा। इससे पूर्व के युद्धों में हमने जीत हासिल की थी 1965 में, लेकिन राजनीतिक रूप में जो है वो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री को ताशकंद दे जाया गया, वो आ नहीं पाए वापस। लेकिन कारगिल युद्ध में उस समय के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी, जब अमेरिका ने जो है वो उन्हें बुलाया था कि अमेरिका में आकर के नवाज शरीफ के साथ जो है वो आप बातचीत करें, तो उन्होंने जो है साफ मना कर दिया था कि जब तक भारत की भूमि पर एक इंच पर भी जो है वो पाकिस्तान का कब्जा रहेगा मैं भारत छोड़कर के नहीं जाऊंगा। तो इसलिए ये जो युद्ध है ये जहां तकनीकी दृष्टि से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध में पाकिस्तान ने छद्म वेश में कुछ कबायली के रूप में जो है वो सैनिकों को भेजा था, लेकिन इसका जवाब जिस प्रकार से दिया गया नेवी एयरफोर्स और आर्मी के जो है वो संयुक्त कमान ने जिस प्रकार से जो है वो पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि एक एक चोटी से जो है वो पाकिस्तानी सैनिक जो है वो बाहर निकल जाएगा अथवा स्वर्ग सिधारेगा, ये एक बहुत भारतीय सेना ने उस समय दर्शाया था और राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व का कोऑर्डिनेशन का एक अनूठा उदाहरण है। इसमें हिमाचल प्रदेश के 52 नौजवान शहीद हुए थे, बहुत छोटा सा राज्य है अनुपात में बहुत बड़ी
संख्या है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी कहा जाता है। पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश के सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था और इस युद्ध में भी 4 सैन्य परमवीर चक्र दिए गए, लेकिन 4 में से 2 हिमाचल प्रदेश के सपूतों को दिए गए, जिनमें से 1 सपूत जो है वो संजय कुमार के रूप में आज भी जीवित है और सेना में जो है वो काम कर रहा है। तो इस युद्ध का हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्व है। उस समय युद्ध जब चल रहा था तो हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो वो उस समय जो है वो कारगिल में स्वयं जाकर के जो है उन्होंने वहां पर जो शहीद घायल हो गए थे उनको सैन्य हॉस्पिटल में देखा और वो स्थान जहां पर जो है युद्ध हो रहा था वहां तक जो है वो गए थे। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए जो है अविस्मरणीय जो है वो समय है और वो युद्ध है। पुण्य क्षेत्र से 2 शहीद हुए थे, उनके परिवार के जो है वो एक की माता जी जो है वो आई हुई थी और दूसरे के जो है वो भाई वीराम जी जो है वो आए थे, उनका सम्मान भी किया है। ये टोकन सम्मान है, ये एक भावी भारत के नौजवान को जो है वो प्रेरणा देने वाला जो है वो कार्य है और साथ ही साथ जो है वो हम कृतज्ञता दर्शाते हैं जो हमारे नौजवान इस भारत भूमि के लिए जो है शहीद हो गए थे, तो उसके लिए जो है वो टोकन स्वरूप जो है वो उनको सम्मानित भी इस कार्यक्रम में किया गया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वेगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।